कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी द्वारा लीड की जा रही यह यात्रा गुरुवार की सुबह असम के बाद अब वेस्ट बंगाल के कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर चुकी है। वेस्ट बंगाल के कांग्रेस प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी के आगमन पर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के फैसले के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को देश भर में अन्याय से लड़ने में ऑपोजिशन अलायंस इंडिया की एकता पर भरोसा जताया। झंडा सौंपने के बाद यात्रा खगराबाड़ी चौक की ओर निकलने की उम्मीद है, जहां राहुल गांधी पब्लिक के साथ एक मीटिंग करेंगे। तूफानगंज और कूचबिहार टाउन से गुजरने के बाद मां भवानी चौक से राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। ओवरनाइट हॉल्ट के लिए अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा पहुंचने से पहले यात्रा गोक्साडांगा में बस द्वारा जारी रहेगी। कूचबिहार में मीडिया से बातचीत करते वक्त राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश भर में हेट्रेड फैलाने के लिए क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि देश भर में अन्याय का बोलबाला है। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी की ओर से इंडिया अलायंस में विश्वास जताने वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बनर्जी द्वारा अचानक किए गए इस फैसले ने कांग्रेस को सुलह का रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया और पार्टी स्पोक्स पर्सन जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया अलायंस की कल्पना नहीं की जा सकती। यात्रा में सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट पार्टीज के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि टीएमसी ने यात्रा के बारे में जानकारी की कमी का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। यात्रा का बंगाल लेग 5 दिनों तक 6 जिलों और 6 लोकसभा क्षेत्रों में 523 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिनमें शामिल है दार्जिलिंग, रायगंज उत्तर और दक्षिण मालदा और मुर्शिदाबाद। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद यह गांधी की पश्चिम बंगाल में पहली यात्रा है। 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू होने वाली यह भारत जोड़ो यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है, जो 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।